एक न्यू बॉर्न बेबी में कितनी बोन्स होती हैं? 206? 206 नहीं होती, एक्चुअल में 206 जो बोन्स होती हैं वो एक एडल्ट इंसान में होती है, बट एक जो बच्चा पैदा होता है उसमें 206 हड्डियां नहीं होती हैं। तो आपको लग रहा होगा कि शायद उससे कम होती हैं, क्योंकि एक बड़े इंसान है, बड़ी बोन्स हैं, बड़ा शरीर है, तो शायद बोन्स ज़्यादा होती होंगी, बट ऐसा नहीं है। जब भी एक बच्चा पैदा होता है उसमें जो बोन्स होती हैं, जो हड्डियां होती हैं, वो 206 नहीं होती, बल्कि मिनिमम 270 से 300 या 300 से भी ऊपर बोन्स होती हैं एक पैदा हुए बच्चे में। फिक्स नंबर नहीं है, क्योंकि किसी में थोड़ी ऊपर होती है, किसी में थोड़ी नीचे होती है, ये प्रोसेस है, राइट। बट जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है, यानी कि जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता है, उसकी जो बोन्स होती हैं वो फ्यूज़ होने लग जाती हैं, आपस में बोन्स फ्यूज़ होती हैं, और वो करते करते जो लिमिट है 206 हड्डियाँ एक बच्चे में पूरी हो जाती है। आप लोगों ने कभी गौर किया होगा कि जो बच्चे होते हैं वो बड़े ही फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि हड्डियाँ, फ्लेक्सिबिलिटी होती है हमारी हड्डियों से। बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, वो बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, कहीं को भी मुंह निकाल लेते हैं, कहीं भी पैर मोड़ लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दोज बोन्स। क्योंकि बोन्स ज़्यादा होती हैं, तो 300 के करीब बोन्स होती हैं, इस वजह से बच्चे में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आई एम श्योर ये बेसिकली एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगा आप लोगों को दूँ, क्योंकि मेरी अब कोशिश रहेगी कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जितनी मैं आपको दे सकता हूँ, खास करके आप लोगों को एक ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर नॉलेज मिले। तो आई होप ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल का आइकन दबा दो, ताकि मैं इसी तरीके की वीडियोस जब और अपलोड करूँ तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाए। बेल का आइकन जरूर दबा देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।